अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे इंग्लिश लेटर्स बाय शेप। सबसे पहले हम लिखते हैं स्काई लेटर्स। स्काई लेटर्स आखिर होते क्या हैं? जी, तो ये स्काई लेटर्स इन चारों लाइनों में फर्स्ट असेंडिंग, जो कि सबसे पहले नंबर पे है, इसे टच करते हैं, इसलिए हम इन्हें बोलते हैं स्काई लेटर्स। जी, ये है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। हमारे पास टोटल कितने स्काई लेटर्स हैं? 7। स्काई के बाद फिर हमारे पास आते हैं ग्रास लेटर्स। जी, ये जो हमारे पास लेटर्स बाय शेप होते हैं, ये हमारे पास सिर्फ मिनस्क्यूल में यानी छोटी एबीसी में ही होते हैं। तो हमारे पास होते हैं ना ग्रास लेटर्स, ये हमेशा दरमियान वाली दो लाइनों पे होते हैं, जिनके नाम क्या हैं? हेडर और बेस लाइन, इन दोनों के दरमियान होते हैं। सबसे आखिर पे हमारे पास आते हैं रूट लेटर्स, जो कि हमेशा जो आखिर वाली लाइन है जिसे हम बोलते हैं फर्स्ट डिसेंडिंग, उसे लाजमी टच करते हैं। ये तीन लाइनों पे आते हैं, नीचे वाली, हेडर, बेस और फर्स्ट डिसेंडिंग। चूँकि ये हमेशा बेस से नीचे वाली लाइन को लाजमी टच करते हैं, जैसे एक पौधे की रूट होती है जो ज़मीन से नीचे होती है, इसलिए हम इनका नाम भी बोलते हैं रूट लेटर्स। जी, हमारे पास होते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। 5 हमारे पास रूट लेटर्स हैं। जी, तो दोस्तों आज की वीडियो में आप लोगों ने लेटर्स बाय शेप सीखे होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा और इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।